Zone Ads, World of Local Business Info. Presiding Officer, Dynamic President Line, Gurpreet Singh Ji. Today's chief guest, pilot of our lionism, our third international president, Lion AP Singh Ji. Our mentor, our leader, our R. Sunil Kumar Ji, constitutional area leader. Both area leaders, multiple council chairperson, and all the visiting district governors, past district governors, respected Lion ladies, Leos, Namaste. Friends, Diamond Jubilee celebration, Lions Club of Secunderabad, Diamond Jubilee celebration ke upalakshya par friends, aapke liye, आपकी मोहब्बत अगर आग का दरिया है तो उसे पार कर जाने को जी चाहता है। आपकी मोहब्बत अगर आग का दरिया है तो उसे पार कर जाने को जी चाहता है। कयामत के बाद अगर आप ही हमारी मंजिल है तो आप पर मर जाने को जी चाहता है। लायंस क्लब ऑफ सिकंदराबाद जब भी नाम आता है आदर के साथ सर झुक जाता है। वी नेवर फॉरगेट द sacrifice and जो भी हमें एक रास्ते पे एक दिशा बताए हैं हमारे पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर आर नारायण राव सर। जब भी कोई एक्टिविटी होती है आर नारायण राव सर ऑलवेज हमेशा आगे रहते थे। देन अरुण कुमार त्रिवेदी जी, त्रिवेदी साहब आपका जो डेडिकेशन और आपने जो लायनिज्म के लिए किया है वो डिस्ट्रिक्ट T20 भी कभी नहीं भूल पाएंगे। लायंस क्लब ऑफ सिकंदराबाद आज जो भी सीनियर मेंबर्स है, आप महावीर कुमार पैटनी जी ले लीजिए, दयाल चिमनानी जी, कुलदीप सिंह सलूजा जी एंड काफी लायन मेंबर्स, हरजीत भाई और यंग जो एक गैप है एवरी ईयर मीन्स एक सीनियर मेंबर्स एंड हरजीत भाई एंड पुरुषोत्तम भाई एंड विजय कुमार जी, प्रवीण जी जो एक मेंटेन करते हुए आया है जो गैप, ये जो गैप को मेंटेन किया है इसीलिए इस लायंस क्लब ऑफ सिकंदराबाद में जान है। फ्रेंड्स, मैंने जब लायंस क्लब ऑफ सिकंदराबाद क्लब का ऑफिशियल विजिट पे विजिट किया था तो लियोइज्म की याद आ गई थी मुझे। जब हम लियोस में थे तब इस तरह से जो एक सम्मान, जो एक अपनापन डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के लिए दिखता है वो सम्मान लायंस क्लब ऑफ सिकंदराबाद में दिखा। जब ऑफिशियल विजिट पे ब्रेकफास्ट के समय इतने सीनियर मेंबर्स, दयाल चिमनानी जी, सलूजा जी, सारे मेंबर्स 15 से 20 मेंबर्स वो प्रेजेंट थे, ये बताता है कि उनका किस तरह से लायनिज्म के लिए एक डेडिकेशन है। 1964 में इस क्लब ने पहला फाउंडेशन परमानेंट प्रोजेक्ट रखा था। अब इमेजिन कीजिए आप 1964 जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था, वहां से परमानेंट प्रोजेक्ट्स की जो एक कंटिन्यूसली जो एक शुरुआत हुई, डंडू आई हॉस्पिटल, ओल्ड एज होम, लिम सेंटर, हम लायंस क्लब ऑफ सिकंदराबाद डायरेक्टली इनडायरेक्टली जहां पे भी ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है जब कोई मेंबर्स को हम अट्रैक्ट करते हैं तो ये ब्रांड एम्बेसडर के वैसा हम लायंस क्लब ऑफ सिकंदराबाद के परमानेंट प्रोजेक्ट्स को हम इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू वेरी मच लायंस क्लब ऑफ सिकंदराबाद। पल्स नाम लिया गया सर, मैं जो डेडिकेशन, मैं अभी जो मेंबर्स है लायंस क्लब ऑफ सिकंदराबाद के जो न्यू जनरेशन है उनसे मैं ये कहना चाहूंगा कि जो डेडिकेशन से उस वक्त ये परमानेंट प्रोजेक्ट्स हुए, जो ये जो इमारत है सर्विस एक्टिविटीज की एक दिन में या दो दिन में या कुछ महीनों में खड़ी नहीं हुई है, ये सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उन्होंने आप पे दी है तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि इसे और आगे तक बढ़ाएंगे। जैसा कि मैंने देखा है किशोर चबेरिया जी, अनिता अग्रवाल जी, इन लोगों का जो रेगुलर इन्वॉल्वमेंट है, जो भी सर्विस एक्टिविटी के लिए हम किसी पेशेंट को वहां पे भेजते हैं तो वही डेडिकेशन, वही सम्मान के साथ में पेशेंट को वहां पे एक अपनापन महसूस होता है। जो लायंस क्लब के एक्टिविटीज में, जो परमानेंट एक्टिविटीज में जब पेशेंट वहां पे जाता है तो उसे प्रॉपर तरीके से 100% सेटिस्फेक्शन मिलता है। फ्रेंड्स, मैं इस प्लेटफॉर्म पे ये और कहना चाहूंगा कि इस साल के जो हमारे अचीवमेंट है,
कुछ जैसा कि मैं हम चाहते थे कि इस वक्त आरसीस, इस साल हम आरसीस ना रखे, ओनली जेटसीस को हम असाइन किए थे और कुछ चेंजेस लाना चाहते थे। इसके लिए मैंने सबसे पहले आर सुनील कुमार जी से मुलाकात की और उनसे मैं अपने प्रोग्राम्स में प्रोग्राम्स के बारे में बताया। उन्होंने बहुत मुझे मोटिवेट किया, थैंक यू वेरी मच सर, कि उन्होंने कहा कि जेटसीस रखना और आरसीस को असाइन नहीं करना, दिस इज द फर्स्ट टाइम इन अवर मल्टीपल, आप इसको आगे लेके जाइए और डेफिनेटली इफ यू सक्सेस मल्टीपल भी इसे अडॉप्ट करेगा। तो आई गिव ऑल क्रेडिट्स टू जेटसीस, ऑल 13 जेटसीस वेयर प्रेजेंट हियर, उन्होंने फुल डेडिकेशन के साथ में सर, फुल डेडिकेशन के साथ में प्रूव कर दिया कि वी कैन डू वंडर्स। बलजीत कौर जी यही ये होम क्लब के जेटसी है, थैंक यू बलजीत जी, आपने भी बहुत जो भी डिस्ट्रिक्ट के इवेंट्स रहे, प्रोग्राम्स रहे, हमने मैक्सिमम रेस्पॉन्सिबिलिटीज इस साल जेटसीस को दी है। इसके अलावा जो प्रोसेस में हमने हम 106 क्लब से हमने स्टार्ट किया था, आज हमारे पास 81 क्लब्स है, जो 22 टू 23 क्लब्स जो कि पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्वमेंट नहीं थे, वो प्रोसेस में जो हमको मदद किए, हमारे डिस्ट्रिक्ट का जो एनवायरनमेंट है क्लब्स का, उसके लिए मैं हमारे मल्टीपल काउंसिल चेयरपर्सन लाइन विजय को विद्यासागर रेड्डी जी एंड पांच डिस्ट्रिक्ट गवर्नर विजय कुमार शेट्टी जी का तहे दिल से आभारी हूँ। उन्होंने जो पहला कदम रखा और जो सपोर्ट किया हमारे विचारों को, उनके सपोर्ट से आज हम अपने क्लब को एक अलग नई दिशा में लेके जा रहे हैं। ऑलमोस्ट मैं समझता हूँ 70-80% हमारा डिस्ट्रिक्ट का एनवायरनमेंट बहुत स्ट्रांग हो चुका है। आने वाले दिनों में डेफिनेटली अवर डिस्ट्रिक्ट विल प्रूव अवर सेल्फ दैट अवर डिस्ट्रिक्ट इज वन ऑफ द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट। एंड इसके अलावा लायंस क्लब ऑफ सिकंदराबाद, मैं तहे दिल से आई ब्रिंग वंस अगेन माय वार्म फेलिसिटेशंस एंड माय हार्टी कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द मेंबर्स ऑफ सिकंदराबाद एंड पर्टिकुलरली ऑल द सीनियर मेंबर्स, दोज हु हैव गिवन देयर एंटायर लाइफ 60 इयर्स सर्विस टू द लायनिज्म, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी, माय हार्टी कंग्रेचुलेशंस टू वंस अगेन यू सर, थैंक यू। सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द बेल आइकन एंड सेलेक्ट ऑल।